ये देखिए, ये हमने इस तरह से रख के दिखाती है, ये इस तरह से हमने बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7, सेवन सेवन रिंग्स के अंदर तीन डबल क्रोशिया और उसके बीच में ये तीन चेन बनाते हुए हम ये सेंटर पॉइंट तक पहुँचो। ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट में जहाँ हमने मार्कर लगाया था हम वहाँ आ गए। अब यहाँ हम तीन चेन ले लेंगे, 1 2 और ये 3, और इस बीच वाले में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये कॉर्नर हमें बनाना है यहाँ पे, जो वी का पॉइंट, ये 2 और ये 3। अभी तक हम हर रिंग के अंदर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाई है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। हमें यहाँ पे ये देखिए, ये वी का ये चीज़ बनाना है, सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच वाले में ये देखिए, एक तीन डबल क्रोशिया बना ली, फिर उसके बाद तीन चेन बनाएंगे, 2 और ये 3 चेन बनाए, और फिर सेम इसी चेन रिंग के अंदर तीन डबल क्रोशिया और बना लेंगे। जहाँ पहले तीन डबल क्रोशिया बनाई थी, देखिए उसी के अंदर तीन डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 2 और ये 3। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। फिर तीन चेन लेंगे, 2 3। अब ये बाकी सेवन रिंग्स में हम जैसे इधर बना रहे थे, तीन डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर दूसरी नेक्स्ट में तीन डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन नेक्स्ट रिंग में, जैसे इधर बनाया हमने उसी तरह से हम इधर भी बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से बन के तैयार हो गया, जैसे बड़ा वाला था उसी तरह से वी का शेप आ गया। हमारा ये राउंड भी पूरा हो गया। अब हमें सेकेंड राउंड शुरू करना है। सेकेंड राउंड शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये एंड हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें तीन चेन बनानी है, 1 2 ये 3, फिर इसे टर्न कर लेना है। और जो ये पहली वाली हमारी डबल क्रोशिया है, ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया है, ये वाली, इसमें ये पीछे से ऐसे लेना है, ये, और ये निकाला, और यहाँ इसमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए पीछे से, ये इस तरह से, 2 ये 3। अभी आप नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, फिर तीन चेन लेंगे, 1 2 3, और ये देखिए, ये नेक्स्ट जो ट्रिपल क्रोशिया है, इसके बैक साइड में, ये देखिए, ये हुक है, ये यहाँ से लिया, ये देखिए तीन डबल चेन बनाई, और ये पीछे से, ये पीछे से, ये होल से, ये यहाँ से लेंगे, जैसे बैक फ्रंट बनाते हैं, ये इस तरह से, ये देखिए, ये एक, और सेम इसी में 2, और फिर उसी में 3, सेम डबल क्रोशिया के अंदर से तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये फिर तीन चेन, 1 2 3, आप एक बार और देखिए, और ये नेक्स्ट में, ये देखिए, ये पीछे से, यहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से डालेंगे, और ये इस तरह से, ये ऐसे दिखेगा, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये इस तरह से, फिर ये देख, इसमें ये डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, जैसे बैक फ्रंट बना पोस्ट बनाते हैं, बैक पोस्ट, उसी तरह, ये इसी में दूसरी, इसी में तीसरी, ये ऐसे दिखेगी, ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी सी दिखेगी। फिर तीन चेन, 1 2 3, और फिर ये पीछे से लेंगे, ये यहाँ पहली वाली डबल क्रोशिया के अंदर से, 1, ये देखिए उसी में से ये दूसरी, उसी में से ये तीसरी,
इस तरह से, फिर एक दो तीन, फिर ये नेक्स्ट ये इस तरह से यहाँ से डालेंगे और ये एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया, यस ये इस तरह से दिखेगा। फिर तीन चेन, वन टू थ्री, फिर जो ये तीन का ग्रुप है ये पीछे से, ये देखिए ये तीन डबल चेन बनाई, जो ये पहले वाली तीन चेन है इसमें पीछे से हुक को डालेंगे और फर्स्ट टू डबल क्रोशिया के ये इस तरह से, ये एक दो और ये तीन, फिर तीन चेन, एक दो तीन और फिर ये पीछे से ऐसे डालेंगे पहली वाली डबल क्रोशिया के अंदर से तीन चेन, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो और ये तीन, अब हम ये सेंटर वाली जगह पे पहुंच गए। तो देखिए ये हमारी इस रो की लास्ट ट्रिपल क्रोशिया का ये ग्रुप था, अभी हम बीच वाला आ गए, बीच कॉर्नर वाले। यहाँ पे हमें क्या करना है, तीन चेन लेनी है, वन टू थ्री, और उसमें भी इसी तरह से पीछे से ऐसे लेना है फर्स्ट वाली के ये इस तरह से, एक दो और तीन, ये तीन बना लिया हमने, फिर तीन चेन, वन टू थ्री। अब हम ये सेंटर में जो शेल बनाया था हम यहाँ आ गए, तो ये जो तीन चेन का ग्रुप है इसके अंदर हम डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ये सेंटर पॉइंट है तीन, फिर तीन चेन लेंगे, वन टू थ्री, और फिर सेम इसी स्पेस में तीन, ये हमेशा इसी तरह बनेगा, कॉर्नर बन रहा है क्योंकि, एक दो और ये तीन, ये देखिए ये इस तरह से। अब हम फिर तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, अब ये नेक्स्ट जो तीन का ग्रुप है ये वाला नहीं ये वाला, इसमें पीछे से ऐसे लेंगे फर्स्ट डबल क्रोशिया के पीछे से ऐसे डालेंगे जैसे बैक पोस्ट बनाते हैं, ये एक, सेम उसी में दो और सेम उसी में तीन, इसी तरह से जैसे हमने इधर बनाया था उसी तरह से हम इधर भी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें फिर थर्ड रो बनानी है, बनाना सेम ऐसे ही है, बस एंड जो टर्न करेंगे राउंड ख़त्म हो जाएगा। तो वन टू थ्री, थ्री चेन लेंगे, ये देखिए और इस तरह से ये फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में पीछे से लेके जैसे पहले बना रहे थे, एक दो और ये तीन, फिर वन टू थ्री, एक बार आप और देख लीजिए, बनाना इसी तरह से जितना चौड़ा हमें बनाना है हम उसी तरह से बनाते जाएंगे। ये तीन चेन हमने ले ली, अब ये पीछे से हुक को डालेंगे इसमें और फर्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर डाल के ये इस तरह से, एक दो और ये तीन, ये एक दो तीन, ऐसे तीन चेन बना लेंगे और यहाँ पीछे से डालेंगे और जो ये तीन का ग्रुप बनाए थे इसमें जो फर्स्ट डबल क्रोशिया थी उसके अंदर ऐसे डालेंगे और इस पोजीशन में आएगा यहाँ पे, एक ये देखिए इस तरह, दो और ये तीन, इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ सेंटर तक आ जाएंगे। ये जो सेंटर में सेल बना हुआ है, ये जो तीन चेन है यहाँ पे
इस फर्स्ट डबल क्रोशिया में ये बनाएंगे, फिर ये बीच वाले सेंटर में आ जाएंगे, इसमें तीन चेन बना, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन, और फिर उसी में तीन चेन और बना लेंगे। तो ये छः का शेल बन के तैयार हो जाएगा, और फिर तीन चेन बना के हम उसी तरह से अपना पैटर्न रिपीट कर देंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम अपना जितना चौड़ा हमें बनाना होगा, जैसे मैंने ये वाला देखिए बनाया है, ये इस तरह से इतना चौड़ा 2.5 इंच चौड़ा है, तो इसको हम बना लेंगे। और लास्ट में हम ये कंगूरे बना लेंगे। तो कंगूरे बनाना मैं आपको बता देती हूँ, कंगूरे ये मैंने थोड़े थोड़े गैप पे बनाए हैं, आप और घने रखना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये पाँच पाँच स्लिप स्टिच बनाई है सिंगल क्रोशिया, उसके बाद ये कंगूरा बनाया है। और अगर आपको और घने रखना है तो आप तीन या चार, जो जितने घने हो उतनी दूरी आप कंगूरों की रख सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने कैसे बनाए हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये पांच सिंगल क्रोशिया मैंने बना ली है। उसके बाद फिर 1 2 3 4, चार चेन बनाई, और बिल्कुल एंड वाले जो स्टार्टिंग वाली थी ये इस तरह से, ये इसमें से ये ऐसे कर लेंगे। तो ये देखिए ये कंगूरा सा बन गया, ये नुकीला सा। और फिर इसको हम नेक्स्ट वाली चेन के अंदर डाल के और इसको स्लिप स्टिच से पक्का कर देंगे। ये हमारा बन गया। फिर उसके बाद हम 1 2 3 और ये चार सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर उसके बाद 1 2 3 2 3 4, चार चेन बनाई और बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ऐसे हुक को घुसाया। और इसमें से, और इसको बगल वाली चेन के अंदर ऐसे निकाल के स्लिप स्टिच से ये इस तरह से कर देंगे। चार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक ये कंगूरा बनाएंगे चार चेन से। अगर आपका धागा ज़्यादा पतला है तो आप चार चेन, जैसे मैंने बनाई है, तो आप छः चेन भी बना सकते हैं, तो कंगूरे थोड़े से बड़े आ जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम अपने ये कंगूरे को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप भी बनाइए, और बनाने के बाद इसको लगाइए, और जब महीन महीन आप नेक पे, कुर्तियों पे या कहीं भी आप इसको लगाएंगे, बहुत ही सुंदर लगता है। तो अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कीजिए, जिससे जब आप लाइक क्लिक करेंगे तो औरों तक ये पहुंचेगा। और अपना सपोर्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इन्जॉय क्रोचेटिंग। थैंक यू।